नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। जब से देश की सत्ता की भागदौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, तब से भारत की छवि में हर स्तर पर विकास हुआ है। इसमें कोई दोराय नहीं है। सुरक्षा से लेकर देश के सौंदर्यकरण तक बहुत सी मुहिम चलाई गई, बहुत सी इमारतों का ऐसा निर्माण किया गया जो आज पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही मौजूद है। जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। देश में कई ऐसी चीजें बनाई गई जिन्हें देखने के लिए आज दुनिया भर के लोग भारत आते हैं, जिससे भारत का पर्यटन बढ़ता है। आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। भारत के दुश्मन आज सेना से पंगा लेने से पहले थर थर कांपते हैं। इस बीच एक और ऐसी खुशखबरी सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप एक बार को फिर से भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे और सोचेंगे कि आज भारत में क्या नहीं है, सब कुछ है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये खबर है क्या और ये खुशखबरी क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल अगर आपसे पूछे जाए कि जैसे दुनिया के सबसे बेहतर होटल्स मॉल कहां पर है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा दुबई का बुर्ज खलीफा, इटली और रोमानिया के बेहद ही खूबसूरत होटल्स और लंदन और अमेरिका में बने बेहद ही आधुनिक और हाईटेक मॉल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब भारत इन मामलों में सभी देशों को मात देने वाला है, जी हाँ, और इसकी शुरुआत भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाली है, और वो भी उनकी जन्मभूमि गुजरात से। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात को कई प्रोजेक्ट्स का तोहफा देने वाले हैं। हालांकि ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे, जिनमें से मोदी गांधीनगर में 5-स्टार होटल के नीचे बनने वाले रेलवे स्टेशन के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क भी शामिल है। इसके अलावा वो गांधीनगर से वाराणसी के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन और गांधीनगर से बरेठा के चलने वाली मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि 55 किलोमीटर की मेहसाणा बरेठा गेज कन्वर्जन के साथ पूरी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है और इस पर करीब 3,067 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। इस लाइन पर 10 स्टेशन पड़ते हैं। अब इस लाइन पर फास्ट ट्रेन चलेगी, जिससे यात्रियों का काफी समय बचेगा और उनको एक फास्ट ट्रेन में घूमने का, यात्रा करने का लुत्फ मिलेगा। इसके अलावा 289 करोड़ की लागत के साथ आपको बता दें सुरेंद्र नगर से पीपावाव सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है। आर्थिक नजरिए से पीपावाव पोर्ट काफी अहमियत रखता है। अब पीपावाव को सीधे पालनपुर और साथ ही अहमदाबाद से जोड़ दिया जाएगा। इससे पोर्ट को दूसरे राज्यों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी एक्वेटिक गैलरी का भी उद्घाटन करेंगे और गुजरात में बनी इस एक्वेटिक गैलरी में कई प्रजातियों की जलीय जीवन देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने ऐसी चीजें सिर्फ विदेशों में ही देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन भारत में अब इसकी पहल शुरू हो चुकी है। इसमें खास बात तो यह है कि इनमें शार्क भी शामिल है। यहां एक अत्याधुनिक 28 मीटर लंबा शार्क टनल भी बनाया जाएगा, जिसमें से गुजरते हुए शार्क को अपने आसपास तैरता देख पर्यटकों को रोमांच से भरा एक माहौल मिलेगा। इसके अलावा एक्वेटिक गैलरी के पास एक रोबोटिक गैलरी भी बनाई जाएगी। इसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी के मॉडर्न एरा का प्रदर्शन कराया जाएगा। यहां आने वाले लोगों को रोबोटिक फील्ड में हो रहे बदलावों के बारे में जानकारियां मिल सकेंगी। और इतना ही नहीं, यहां दुनिया के जाने माने ट्रांसफॉर्मर रोबोट का डुप्लीकेट भी देखने को मिलेगा। एंट्री गेट पर रोबोटिक स्कल्पचर भी बनाए जाएंगे। एक्वेटिक गैलरी के साथ साथ यहां एक नेचर पार्क भी डेवलप किया गया है, जिसमें कई प्रजातियों के पेड़ पौधे और साथ ही विलुप्त हो चुके प्राणियों के स्कल्पचर भी रहेंगे। साइंस सिटी में 8 हेक्टेयर के नेचर पार्क बनाया गया है। इसके अलावा यहां मिस्टर गार्डन, चेस गार्डन, सेल्फी पॉइंट, स्कल्पचर पार्क और साथ ही आउटडोर मेज के अलावा बच्चों के लिए स्पेशल पार्क भी बनाए जाएंगे। स्कल्पचर पार्क में उन जानवरों या जीवों के बारे में पता चलेगा जो धरती से विलुप्त हो चुके हैं। और आपको बता दें कि टूरिस्ट यहां 1 हेक्टेयर में बनाए गए तालाब में बोटिंग का मजा भी उठा सकेंगे। तो देखा आपने, इन चीजों के साथ एक बार फिर से गुजरात की खूबसूरती पर 4 चांद लग जाएंगे। खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।